एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स में टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में मैं आज डीपली आपको बताने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो कंप्यूटर से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर बेसिक कोर्स कर रहा हो या अदरवाइज कोई भी कंप्यूटर में कोर्स कर रहा हो। ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तथा कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के कोर्सेस करने वाले या कंप्यूटर से रिलेटेड आईटीआई करने वाले या कंप्यूटर सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। आज का टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब होता है जिसमें हम भंडारण करते हैं, भंडारण करने वाली मशीनरी या यंत्र जिसमें हम डेटा का संचयन करते हैं, स्टोर करते हैं। परमानेंटली स्टोर करना है या टेम्पररी तरीके से स्टोर करना है तो उसमें स्टोरेज डिवाइसेस में हम उसको पढ़ते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं जिसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं। और अपना कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। कंप्यूटर में मेमोरी आ जाने से ही कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो चार्ल्स बैबेज जी के द्वारा दी गई, जिन्होंने अपने एनालिटिकल इंजन में वो 5 ऐसी टेक्नोलॉजी दी थी जो डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में यूज किया गया, इसीलिए उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। वो 5 यूनिट है आपका इनपुट, आउटपुट, एलयू, सीयू एंड एमयू, और उसी का एक सेक्शन है आपका एमयू। और मैंने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से रिलेटेड पीछे वीडियोस बना रखी हैं। पिछली वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां से लिंक को प्राप्त करें, या अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखना है तो प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं मेमोरी। स्टोरेज डिवाइसेस में मेमोरी में ही, मेमोरी मतलब होता है याददाश्त, और याददाश्त के अंदर ही कुछ भी हम स्टोर करते हैं। जब हमारे पास याददाश्त नहीं होगी तो हम कुछ भी भंडारण नहीं कर पाएंगे। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बोले या फिर हम प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज का क्या रोल है कंप्यूटर में एंड सेकेंडरी स्टोरेज का क्या रोल है उसको हम पहले समझ लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज मींस जो मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्टिंग से, बूटिंग से ही वर्क स्टार्ट हो जाए, जिस मेमोरी का जो वोलाटाइल मेमोरी होती है एक तरीके से, जिसमें कंप्यूटर हमारा कंप्लीटली वर्क करता है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर के बूट होने से लेकर के कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं वो कंप्लीट प्राइमरी मेमोरी पर होता है। और जब हम कोई भी डेटा या फाइल सेव करते हैं परमानेंटली वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है या सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अब हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी को। हमने थोड़ा डीपली इसमें दिया हुआ है, बेसिकली लोग प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम पढ़ते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। मैंने इस चार्ट में थोड़ा सा डीपली दिया हुआ है। आप देखें प्राइमरी मेमोरी को मैंने 2 भागों में क्लासिफाइड किया है, 2 भाग में वर्गीकृत किया हुआ है, एक आपका कैश और एक है आपका मेन मेमोरी। तो हम मेन मेमोरी को समझने से पहले कैश को समझ लेते हैं, बिकॉज कैश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेटा के प्रोसेसिंग में। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड को गेन करा देता है। कैश मेमोरी में 3 लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वह कैश जो ऑनबोर्ड लगा होता है जिसे हम प्राइमरी कैश कह सकते हैं। इसके द्वारा बोर्ड की आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। और आपका L2 जो होता है, लेवल 2 कैश जो होता है, उसे हम एक्सटर्नल कैश बोलते हैं। इट मींस सेकेंडरी आपका कैश है। ये भी कंप्यूटर की स्पीड को गेन करने में इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। थर्ड है आपका L3 मतलब होता है लेवल 3। ये आपका हाई कैपेसिटी के कंप्यूटर्स के लिए इसका यूज होता है और इसका यूज हर एक कंप्यूटर में नहीं हो पाया जाता है। तो ये हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है, बट इसका हर प्रकार के कंप्यूटर में इसका यूज नहीं होता है। जो हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। बट L1 एंड L2 ये 2 लेवल जो है, एक आपका प्राइमरी कैश बोला जाता है
और एक आपका सेकेंडरी कैश बोला जाता है। कैश के बारे में आप बस इतना जान लें कि कैश जो होता है वो कंप्यूटर की स्पीड को गेन करा देता है, हाई स्पीड में जनरेट कर देता है। कहीं ना कहीं एसडी रैम से आपका कैश बनता है जो आपके मेमोरी यूनिट से एलयू यूनिट के बीच में डेटा का आदान प्रदान करता है तथा उसके प्रोसेसिंग में भी इसका योगदान होता है। अब हम समझते हैं मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मेन जो है आपका मेन आपका रैम एंड रोम है। रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैंडमली वर्क करता है, एक्सेस करता है, वो मेमोरी जो रैंडम वर्क करने के लिए है उसको रैम कहते हैं। और रोम मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, जो केवल रीड करने के लिए होता है। मदरबोर्ड पर एक रोम चिप लगी होती है जो एक तरीके से देखा जाए, हालांकि ये प्राइमरी मेमोरी में है, बट रोम एक परमानेंट मेमोरी कही जाती है, एज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है रोम को। एंड रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी मेमोरी है, जो सिस्टम के रिस्टार्ट होने के साथ साथ ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। तो हम समझेंगे रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको मैंने अभी बताया कि ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का सेंस ये है कि कंप्यूटर के पावर ऑन करने से लेकर के जो मेमोरी यूज की जाती है, कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर के कंप्यूटर पे जो सारा वर्क किया जाता है वो इन्हीं दोनों मेमोरी पर डिपेंड करता है। और जब हम कोई भी फाइल, कोई भी डेटा या कोई भी डॉक्यूमेंट अपना सेव करते हैं वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम होता है मेन दो प्रकार का होता है, रैम मेन दो प्रकार का होता है, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम और डी रैम से मिलकर एक रैम होता है एस डी रैम, बट यहां दो इंपॉर्टेंट रैम जो है वो मैंने लिखा हुआ है एस रैम एंड डी रैम। एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके सामने जो आप मेमोरी का क्लासिफिकेशन चार्ट जो दिख रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस का जो चार्ट दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप देखें एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम फ्लिप फ्लॉप मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज डी रैम की अपेक्षा एस रैम की स्पीड ज्यादा होती है। अब हम डी रैम को समझते हैं। डी रैम को बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी जो होती है रिफ्रेश्ड मेमोरी होती है, कहने का मतलब इसकी अपेक्षा ये स्लो होती है, इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने से रिचार्ज हो जाता है और रिचार्ज करके अपने वर्क को अच्छी तरीके से कर पाता है, मतलब इसके अंदर पावर आ जाता है जब इसको रिफ्रेश करते हैं। इसलिए डी रैम को रिफ्रेश्ड मेमोरी भी कहा जाता है और एस रैम को फ्लिप फ्लॉप मेमोरी कहा जाता है। ये वीडियो जो है ट्रिपल सी के स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन आने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जामिनेशन की तैयारी पहले से कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब हम समझते हैं रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी। स्पेस कम होने के नाते हमने इसका फुल नेम नहीं लिखा हुआ है, बट मैं ऐसे आप लोगों को बता दे रहा हूं। रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो मेमोरी को रीड करता है, मतलब याददाश्त जो पढ़ने के लिए है वो आपका रोम है। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के रोम है। एक आपका पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमने फुल फॉर्म से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैंने बताया आपको जिसको भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए वो हमारे प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकता है, प्लेलिस्ट का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम को रीड करने का वर्क करता है। ईपीरोम होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो इरेजिबल प्रोग्राम को भी रीड कर सकता है। ईपीरोम मींस हो गया इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्राम को जो रीड करने का वर्क करता है, जो इरेजिबल प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिकली रीड कर जाता है, वो आपका ईपीरोम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो है तीन प्रकार का होता है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
EEPROM Erasable Programmable Read Only Memory and EEPROM Electronically Erasable Programmable Read Only Memory. अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर. सेकेंडरी मेमोरी पर जो कि जब हम कंप्यूटर पे कोई भी डेटा या कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है. सेकेंडरी मेमोरी हुआ आपका, वो मेन तीन होता है, इसमें मैंने चार दिया, वो चार प्रकार का है आपका. मेन इसमें तीन है आपका, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, और चौथा है फ्लैश मेमोरी. आज के टाइम में फ्लैश मेमोरी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. फर्स्ट आपका मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप चूंकि जो स्टोरेज मिलता है, स्टोरेज जिसमें हम करते हैं वो मैग्नेटिक मीडिया पर ही होता है, तो जो टेप ड्राइव है आपका, टेप में एक आपका कार्ट्रिज टेप और एक आपका कैसेट टेप, जो रील टू रील होता है उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और ये हाई स्टोरेज प्रोवाइड करता है. तो सेकेंडरी ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एक परमानेंट मेमोरी है. मेमोरी दो प्रकार से होती है, एक टेम्पररी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी. तो ये आपका टेम्पररी मेमोरी है, जबकि इसमें जो ये सेक्शन आपको मैं डिवाइड करके दे दे रहा हूं, इधर का पूरा सेक्शन आपका टेम्पररी मेमोरी है या वोलाटाइल मेमोरी है, और ये पूरा सेक्शन आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है. रैम आपका एक टेम्पररी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, बट आपका रोम एक परमानेंट मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क की तरह का इसका बिहेवियर होता है. तो देखें मैग्नेटिक टेप में कार्ट्रिज टेप है, कैसेट टेप जो एक हाई स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और आपको मैंने भी बताया जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो सब मैग्नेटिक मीडिया पर वर्क करता है. सेकेंड आपका मैग्नेटिक डिस्क. आज के टाइम में मैग्नेटिक डिस्क का, इसमें जो हार्ड डिस्क है आपका, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज सारे सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सब हम हार्ड डिस्क में ही करते हैं. तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका एसएसडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, और एक हो गया आपका एफडीडी. एफडीडी पहले यूज होता था, अब हार्ड डिस्क मिलता है, एफडीडी का बहुत ही कम यूज है. हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, जिसे हम एसएसडी भी कह सकते हैं, हार्ड डिस्क कह सकते हैं, और फ्लॉपी डिस्क, ये दोनों ही आपके मैग्नेटिक डिस्क में आ जाते हैं. थर्ड है आपका ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क जो है, जिसमें सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी मींस कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें सीडी को रीड करा जाता है, वो आपका सीडी डी है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव. सीडी राइटर होता है, उस कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइटर बोलते हैं उसे, और जो जिसमें केवल सीडी को रीड करते हैं उसे हम सीडी डी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव. डीवीडी होता है सेकेंड आपका, डिजिटल वीडियो डिस्क. एक चीज मैं और बता दूं आपको, सीडी की जो क्षमता होती है 700 MB होती है, 700 से 750 MB होती है, जिसमें हम 650 MB तक ही डाटा स्टोर करते हैं. डीवीडी जो है आपका, अगर वन साइडर है तो 4.7 GB होगा, अगर ये टू साइडर है तो 8.8 GB के आसपास में होता है. डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, और डिजिटल वर्सटाइल्स डिस्क बोलते हैं इसे हम. इसमें स्टोरेज ज्यादा होता है, सीडी में 700 MB, इसमें 4 से लेकर के 8-9 GB तक होता है. थर्ड है आपका ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क में वन साइडर टू साइडर होता है, मतलब 25 GB से लेकर के 50 GB तक डेटा हम स्टोर करते हैं ब्लू रे डिस्क में. ये ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है ब्लू रे डिस्क. तो ऑप्टिकल डिस्क में आपका है सीडी है, डीवीडी है, और ब्लू रे डिस्क है. जिप ड्राइव भी इसी के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी. स्पेस कम होने के नाते हमने फ्लैश मेमोरी को नीचे दे दिया है, मैंने भी बताया इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेमोरी में, बिकॉज आज हम डेटा का कोई कहीं भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं वो हम पीडी के माध्यम से करते हैं. बेसिकली पीडी किसे बोलते हैं आपका, पेन ड्राइव. फ्लैश ड्राइव मेमोरी में आपका पेन ड्राइव है, आपका मेमोरी कार्ड है, एमएमसी है. एमएमसी मींस होता है मल्टीमीडिया कार्ड, एसडी बोलते हैं, सैंड डिस्क होता है, या सिक्योर डिस्क बोलते हैं उसे हम. तो ये सब आपके फ्लैश मेमोरी में आ जाते हैं. एक आपका पॉकेट हार्ड डिस्क भी होता है, जो स्टेशनरी हार्ड डिस्क जो बाहर से हम लगाते हैं. तो ये है आपका
कंप्लीट मेमोरी सेक्शन जिसमें प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आपने जाना कि प्राइमरी मेमोरी में ये इधर का सेक्शन जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है और इधर का सेक्शन आपका नॉन वोलाटाइल है एज अ परमानेंट मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का रोल होता है सिस्टम के स्टार्टिंग से लेकर के कंप्यूटर में जो वर्क कंप्लीट करते हैं हम सब प्राइमरी मेमोरी पर करते हैं, और जब हम डेटा को स्टोर करते हैं फाइल को सेव करते हैं तो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेमोरी यूनिट्स पर होगा, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट मेमोरी यूनिट्स क्या है, मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है उसके बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि मेमोरी को मापने के लिए हम उसकी यूनिट बिट बाइट सबसे छोटी है, उसके बाद हम जियो बाइट सबसे बड़ी यूनिट, तो उसके मैं कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा जिससे आपको मेमोरी की यूनिट्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।